सुपौल में, सुपौल के वोटर क्या कहते हैं मतदान केंद्र के बाहर, उनसे बात करते हैं। सुपौल में हम हैं। सुपौल कांग्रेस के लिए जो लड़ाई है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री बिजेंद्र यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं, लड़ाई सीधे तौर पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कुछ महिला वोटर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपने वोट किया जी? क्या मुद्दा रहा वोट करने का यहाँ पे? क्या जेहन में सोच के आई थी कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? क्या बताए, हम लोग दिए हैं जिन पर इच्छा था, अपना मतदान किए हैं उन पे। अच्छा, जो देश के लिए अच्छा करेगा उसी पर दिए हैं। जो देश के लिए अच्छा, जो अच्छा करेगा। अच्छा, हाँ। और विकास, विकास के लिए जो करेगा, बिहार का जो विकास करेगा उसी पर दिए हैं। क्या लगा, क्या सोच के मतदान केंद्र पहुंची थी, क्या क्या मुद्दा रहा जेहन में? देश का विकास हो, देश का विकास हो। आप युवा हैं, आप क्या सोच रही हैं सुपौल के लिए खासतौर पे? बस देश का विकास हो और अपना जिला, जिला का विकास भी हो, जिले का विकास, हाँ जिला का भी विकास हो। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या लगता है कि इस इलाके में क्या मुद्दा रहा विकास के लिए, या चुनाव में जो मतदान करने के लिए जो मतदाता जो इस परसरमा मतदान केंद्र पर जो पहुँचे हैं? सुपौल का आखिरी इलाका यानी सहरसा सुपौल का बॉर्डर का यह गाँव है। बॉर्डर एक पंचायत के बाद शुरू हो जाता है, दूसरे जिला पार हो जाता है, लोकसभा भी बदल जाता है। कितनी मुश्किल रहा, क्योंकि यहाँ जो है बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री की कर्मभूमि रही है, लड़ाई नाक का। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ एक ही मुद्दा है, जो पहला मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और देश को मजबूत करना है, और साथ साथ बिहार मजबूत होगा और बहुत दिनों के बाद ऐसी सरकार होगी जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार होगी और बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी, और ये बिजेंद्र यादव की कर्मभूमि है और ये परसरमा बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई का जन्मभूमि है, और यहाँ पर एनडीए का एक तरफा वोट ये नहीं, सबर्ण ही नहीं, बल्कि जितने भी पचपनिया यानी मंडल कामत महतो मेहता राम सादा जितने भी जाति के लोग हैं, सभी ने जात धर्म से ऊपर उठकर देश हित में अपना मतदान तीर छाप को दिए हैं, और दिलेश्वर बाबू भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से कहा जाता था कि यहाँ पे जो देश की बात की जा रही है, जवानों की बात की जा रही थी, शहीदों की बात की जा रही, क्या वो तमाम बातें जहन में था यहाँ पे मतदान करने? हाँ हाँ था, यहाँ भी था। हाँ यहाँ भी था, सुपौल में भी वो बातें चल रही थी। हाँ सुपौल में हर जगह सेना को लेके भाई। हाँ हाँ, सजग रहना है जी। क्या लग रहा है, क्या क्या मुद्दे रहे यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग जो जी रहे हैं बस उन्हीं के ऊपर जी रहे हैं। सेना के साथ जो हुआ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है बोलो? मोहम्मद सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन, समस्या इस इलाके का क्या क्या रहा, और आपको क्या लग रहा है कि किस समस्या में जो आपके उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा वादा उन्होंने किया, किस वादा पर आपका भरोसा बना? वादा तो बहुत किया, बहुत पूरा किए हैं, अब जो बचा होगा, अब जो बचा हुआ है वो होगा। क्या लगता है, क्या मुद्दा रहा? हम लोग तो देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर, माननीय मंत्री बिजेंद्र बाबू के नाम पर हम लोग मतदान किए हैं। आपको क्या लग रहा है? हम लोग भी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट किए हैं, जो देश के लिए अच्छा करेंगे आगे। युवा वोटर क्या सोचते हैं? सबका साथ सबका विकास, मजबूत नहीं मजबूत सरकार चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सेना के सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं और इसी लेके वोट दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी दमदार नेता, दमदार नेता हैं। क्या सोचते हैं सुपौल के आखिरी मतलब इलाका है जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ के गांव, यहाँ के पंचायत के जो रहने वाले युवा हैं, क्या सोचते हैं? सब तो बस इस बार बीजेपी को देना, बीजेपी को जिताना चाहता था, तो बस यहाँ पे तीर छाप खड़े हुए हैं, तीर छाप से दिलेश्वर काम आज, तो बस उसी को जितवाना है। मुद्दा क्या क्या रहा? मुद्दा तो सर जो भी रहा विकास के लिए रहा ना, विकास ही होना चाहिए, विकास पुरुष होना चाहिए, इसमें तो सबसे अच्छे सर नरेंद्र मोदी जी हैं। विकास का मुद्दा रहा जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई जी, क्या क्या मुद्दा रहा? सर सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जो किए वो मोदी जी को सबसे नंबर वन पे लाए और लाएंगे इस बार। मतलब देश हित की बात करने वाले नेता को ज़्यादा लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं, है तो क्या लग रहा? हम लोग तो देश हित में नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहा?
55 साल बनाम 5 साल। 55 साल बनाम 5 साल। मैडम आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जैसे तमाम लोगों की जो बातचीत है, तो क्या आपने वोट किया महिलाओं के लिए? बात की जा रही है महिलाओं की, बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सजग हैं? महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी ध्यान दिए हैं, जो आज से पहले नहीं हुआ था। हम लोग का एक ही लहर है बस, नरेंद्र मोदी। आप सीधा बात भैया, निमके रोटी खाएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, दूसरा चोरबा को नहीं जिताएंगे। तो सीधे तौर पे आप अपने वोट का प्रयोग करने के बाद जो तमाम लोग हैं सुपौल के, उनके चेहरे पे खुशी है कि वो लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाए हैं। और उसके बाद अब जिस तरीके से मतदान केंद्र पे सन्नाटा पसरा जा रहा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं अब वो ईवीएम में कैद होते जा रहा है। 23 तारीख को यह तय होगा कि यहाँ से जो प्रतिष्ठा दांव पे है एनडीए और महागठबंधन के जो जो दो नेता हैं, उसके अलावा जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, इससे ज़्यादा प्रतिष्ठा इस इलाके में, इस लोकसभा में कांग्रेस के बड़े नेता और महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी तो लगी हुई है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कद्दावर मंत्री के भी प्रतिष्ठा दांव पे है। सहयोगी मनीष के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, सुपौल।